बिलासपुर में बुजुर्ग के साथ हुई घटना को लेकर सरकंडा पुलिस ने मामले को सुलझा लिया। स्थानीय पुलिस की तत्परता से घटना के चंद घंटों के अंदर ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार कपिल नगर निवासी रिटायर्ड कर्मचारी सुकुमार चंद्रा मंगलवार दोपहर हुंडई चौक स्थित स्टेट बैंक से चेक के माध्यम से 2.5 लाख रुपए निकालकर उसे एक बैग में रखकर पैदल अपने घर जा रहे थे। तभी करीब 2:30 पर एक स्कूटी पर सवार व्यक्ति ने बुजुर्ग के साथ पैसों से भरा बैग लूटकर मौके से फरार हो गया। उक्त मामले की सूचना के बाद सरकंडा पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की, जिसे सबसे पहले आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जहां आरोपी के हुलिये को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से स्थानीय स्तर पर फॉरवर्ड किया गया, जहां लोकल मुखबिर से आरोपी की पहचान सांगंज निवासी दिलीप रेलवानी नाम से हुई। जहां आरोपी के वर्तमान पते पर पुलिस जब तक पहुंच पाती, तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुका था। इसी बीच सरकंडा पुलिस को तकनीकी सबूतों के आधार पर पता चला कि आरोपी दिलीप रेत खानी लूट की घटना को अंजाम देकर मध्य प्रदेश उमरिया भागने की फिराक में था। तत्काल उत्कल एक्सप्रेस में अपनी पत्नी के साथ वह बिलासपुर से निकल चुका है, जिस पर स्थानीय पुलिस और पेंड्रा पुलिस की संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए आरोपी दिलीप रेलवानी को और रुकमणी रेलवानी को पेंड्रा स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से पुलिस को लूट की रकम और घटना में प्रयुक्त स्कूटी को बरामद किया, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। परशुराम गौड़, सोन की रिपोर्ट, टीवी इंडिया 18।